Maybelline foundation versus Lakme foundation, तो कौन सा foundation ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी coverage देता है और आपके makeup को long lasting रखता है? Hi everyone and welcome back to my channel Fashion Funda with O. मैं हूँ पूजा. I hope you all are doing great. तो आज की video में मैं share करने वाली हूँ foundation के बारे में. And Maybelline foundation versus Lakme foundation, तो कौन सा foundation ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी coverage देता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है? तो अगर आप फाउंडेशन कोई अच्छा लेना चाहते हैं, बजट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते हैं और बहुत अच्छी कवरेज दे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. आपको फाउंडेशन के बारे में एक्स वाई जेड नॉलेज मिल जाएंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये जो है वीडियो ना बिगिनर्स के लिए, अगर बिगिनर्स लेना चाहते हैं फाउंडेशन और वो भी राइट कवरेज वाला, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा फाउंडेशन लेना चाहिए और आपको अपनी फाउंडेशन को कैसे ब्लेंड करना है, यानी कैसे अप्लाई करना है, जिससे आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी ना हो और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बेस बने आपका. तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो मैं बात कर रही हूँ लैक्मी 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवरेज फाउंडेशन की. तो ये फाउंडेशन आपको मिलेगा 25 ml का, जिसका प्राइस है आपको 500 पड़ेगा. तो मेरा इसमें शेड है वार्म लाइट, जो कि मेरे अकॉर्डिंग द परफेक्ट शेड है. ब्रॉन्स के बारे में जानेंगे, फिर कॉन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो हमारा जो इसका अच्छी बात है पहले, तो वो है कि अफोर्डेबल है. 500 का है तो आपको कोई भी अच्छा कवरेज का फाउंडेशन अराउंड 500 का अगर मिल जाए तो परफेक्ट उसका प्राइस है. और इसमें प्राइमर भी ऐड है, तो अगर आप प्राइमर नहीं भी चाहते हैं लगाना तो इट्स ओके. आप मॉइस्चराइजर और टोनर लगा के डायरेक्टली इसको अप्लाई कर लेंगे तो फिर भी अच्छा सा आपका पेस तैयार हो जाएगा. तो इसकी पैकेजिंग भी थोड़ी अच्छी दी है. पहले के फाउंडेशन, लैक्मे के जो पहले फाउंडेशन आते थे और अब के फाउंडेशन थे, तो इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी, तो इसी लग्जूरियस टाइप की है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है. इसका जो है शेड बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट हर स्किन इंडियन टोन के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा है. वो भी प्रॉज में हमारा जाता है. इसका पेस बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस आता है, ये भी प्रॉज में जाता है. उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स. तो इसके क्या हमें, मतलब मुझे क्या चीज़ें इसकी नेगेटिव लगी है जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है. तो सबसे पहली बात है, इसको खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें एक ब्रश टाइप का एप्लीकेटर है जो, तो मुझे इसका एक कॉन लगा है कि इसमें अगर पंप दिया गया होता तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता था. तो उसके बाद मैं बात करूँगी Maybelline सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन की. तो इसमें मेरा शेड है 120 IV और इसका प्राइस 750 rupees और इसका जो है क्वान्टिटी है वो है 30 ml, जो कि प्राइस तो ऑलरेडी अच्छी है और थोड़ा सा मतलब Lakme से इसका प्राइस ज़्यादा है, बट ओवरऑल एक फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन की इसका प्राइस भी सही है. तो मैं इसकी बात करूँगी प्रोस की और कॉन्स. तो सबसे पहले अच्छी बात है कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, आप इसे 25 hours तक वेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर प्रूफ है और ऑयल फ्री है, आपको मैट फिनिश देता है. प्रॉस एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉस है जो कि है इसका एप्लीकेटर. तो इसका पम्प एप्लीकेटर है जो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं पम्प करके, तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉस है. इसका कॉन्स ये है कि ये आपके फेस पर थोड़ा सा हैवी है, मतलब Lakme के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा बेस हैवी जाता है. अभी फुल कवरेज है बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कवरेज देता है, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स होते हैं वो इससे दिखते हैं. तो ये इसका कॉन्स है और प्राइस भी Lakme के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये भी कॉन में ही चला जाता है, जो भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है. तो आइए अब इनके एप्लीकेशन को देखते हैं. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो मैं अपने हाफ फेस पर यूज़ करूँगी Lakme 9 to 5 फाउंडेशन और अपने हाफ फेस पर यूज़ करूँगी Maybelline का सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन. तो जल्दी से इन दोनों को अप्लाई करते हैं. कोई भी फाउंडेशन लगाने से पहले आपको अपनी स्किन को प्रिपेयर करना होता है, तो मैं सबसे पहले अपने स्किन को प्रिपेयर करने के लिए लगाऊंगी Mamaearth का ये टोनर. आपके पास जो भी टोनर अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, बट याद रहे कि आपका टोनर आपके स्किन टाइप के हिसाब से हो. तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है उसके लिए परफेक्ट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कूलिंग इफेक्ट देता है मेरी फेस को.
मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करूँगी डॉट एट की का ये मॉइस्चराइजर, ये मेरे फेस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है इसलिए मुझे लाइट वेट मॉइस्चराइजर ही अच्छे लगते हैं, वरना हैवी मॉइस्चराइजर मेरी स्किन को और ज़्यादा ऑयली बना देते हैं। तो बस मुझे बस थोड़ा सा यूज़ करना है इन पूरे फेस पर। मैं अपने नेक एरिया पे भी लगाऊंगी ताकि फाउंडेशन लगाऊँ तो वो अच्छे से सेंट हो जाए। तो अब मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है फाउंडेशन के लिए, बट उससे पहले एक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेकअप अप्लाई करने से पहले हमें लगाना है, तो वो है ये मेबलिन का फिट मी मैट पोरलेस प्राइमर। आपके पास जो प्राइमर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये प्राइमर अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है या फिर कॉम्बिनेशन है तो परफेक्ट है। ये आपके पोर्स को ब्लर कर देता है, ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, तो आपके फेस पर कोई भी ऑयल नहीं आने वाला है फाउंडेशन के बाद, बहुत अच्छा है। तो मैंने बस इतना सा प्राइमर लिया है और अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी, बट स्पेशली मुझे एरिया पे लगाना है। इसे अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है, ये आपके फेस पर बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से और आपके पोर्स को एकदम ब्लर कर देगा। परफेक्ट देख रहे हैं इसका, बहुत अच्छे से आपके पोर्स को ब्लर कर देता है बिल्कुल। और जब भी फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है, मतलब बहुत ही अच्छा बेस आपका बनता है। तो आपको टोनर, प्राइमर और मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन तीनों चीज़ों को आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए मेकअप करने से पहले, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहे और फ्लॉलेस दिखे। तो फाउंडेशन लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर। गाइस ये बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आपके मेकअप को बिल्कुल भी केंगी नहीं बनाएगा, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप सस्ते वाले ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं मार्केट से तो वो उतने अच्छे से आपके फाउंडेशन को सेट नहीं करते हैं और आपके मेकअप को केक ही बना देते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 500 के अराउंड है। मैं आपको अमेजोन पे इसका लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा है। तो आपको मेकअप आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के लिए आपको उसे अच्छे से धुलना है और सारा पानी मतलब उसका अच्छे से स्क्वीज कर देना है, मतलब जान लगा के आपको उसको निचोड़ना है ताकि वो अच्छे से इसको पानी निकल जाएगा। ज़रा सा भी पानी ब्यूटी ब्लेंडर पर रह जाएगा तो आपके मेकअप को केकी बना देगा और बिल्कुल भी अच्छे से सेट नहीं करेगा, तो आपको बिल्कुल जान लगा के स्क्वीज करना है और वो बहुत अच्छा फिर आपका बेस ये सेट करता है। तो मैंने इसको धुल लिया, इसको स्क्वीज कर दिया है और इसको मैंने ना निचोड़ने के बाद ये और भी ज़्यादा डबल हो गया है, मतलब थोड़ा सा छोटा लग रहा था बट इसको स्क्वीज करने के बाद ये इतना सॉफ्टी हो गया है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये फर्स्ट अपने हाफ फेस पर ये लैक्मे का फाउंडेशन, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे निकाल लूँगी, उसके बाद मैं अपने फेस पर इसको अप्लाई करूँगी। आप चाहो तो पहले इसको फेस पर लगा लें उसके बाद आप इसको जो है ब्लेंड करें, बट मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको अप्लाई करूँगी ताकि एक्सेस प्रोडक्ट में स्किन पे ना लगे और वो बाद में केकी भी ना दिखे। तो बस आपको इसे टैप करना है और अपनी फेस पर ऐसे से लगाना है। बहुत अच्छे से आपको इसे ब्लेंड करना है, याद रहे आप जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे फाउंडेशन ना उतना ही ज्यादा अच्छे से वो सेट होगा। अपने आईज पर आपको लगाना है ताकि अगर आपके अंडर आई थोड़ा सा भी है तो वो कवर हो जाए। तो मैंने अपने हाफ फेस पर फाउंडेशन लगा लिया है लैक्मे का, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बट ये देखना है कि ये मैट है या नहीं। तो ये अभी उतना मैट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये अभी हल्का सा मुझे रनिंग लग रहा है, जैसे ये रनिंग होता है, तो अभी उतना अच्छे से इसने मेरी स्किन को मैट नहीं किया है जो कि मुझे ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये सेट होने के बाद ये कैसा इसका इफेक्ट आता है। तो उसके बाद मैं अपने हाफ फेस पर लगाऊंगी मेबलिन का सुपर स्टिक फुल कवरेज फाउंडेशन। तो इसमें पंप है तो फॉर्म से भी थोड़ा सा प्रोडक्ट एक आदमी
तो इस फाउंडेशन को भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूंगी। जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। तो मैंने अभी पूरे फेस पर फाउंडेशन लगा लिया है। फेस का इस साइड का पार्ट मेरा लैक्मे का है और इस साइड का पार्ट मेबेबी का है। तो मैं अभी आपको दोनों के रिजल्ट बताने वाली हूँ। तो जो लैक्मे वाला पार्ट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है इस कंपेरिजन टू मेबेबी। तो मेबेबी का वैसे तो फाउंडेशन अच्छा है बट ऑयल फ्री भी है, बट ये थोड़ा सा मुझे हेवी फाउंडेशन लग रहा है। और ये वाला जो लैक्मे का फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब बिल्कुल पता नहीं लग रहा है मेरी स्किन पे, और बिल्कुल लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बेस दिखा रहा है। कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कवरेज इसकी भी बहुत अच्छी है। बट ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज भी दे रहा है और बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बेस दिया है इसने मुझे। तो मेरे लिए लैक्मे का बहुत अच्छा रिव्यू है। अगर आप चाहते हैं मेबेबी और लैक्मे में परचेज करना, तो आप ज़रूर से ज़रूर लैक्मे में जाइए, क्योंकि लैक्मे की अभी न्यू और इम्प्रूव्ड रेंज आई है। तो इसका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसने अच्छे से मेरे डार्क सर्कल, वैसे तो मुझे ज़्यादा डार्क सर्कल है नहीं, तो इसने मेरे अंडर आई को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मूथ कर दिया है और काफ़ी वाइब्रेंट फील दे रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बेस लग रहा है मुझे इसका, थोड़ा सा मतलब लाइट बेस कर दिया है इसने मुझे, मेरे सारे मतलब डार्क पार्ट को हटा दिया है और बहुत अच्छा मुझे ये फील भी दे रहा है। बिल्कुल ऑयल फ्री फॉर्मूला है, तो बेफिक्र हो जाएगा आपकी ऑयली स्किन है या फाउंडेशन स्किन है, तो ये लाइट वेट फॉर्मूला आपको इरिटेट नहीं करेगा और आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। तो ये बेस मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका बेस थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, तो अगर आप डेली फाउंडेशन भी लगाते हैं, आप ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको फाउंडेशन लगाना पड़ता है डेली, उसके लिए परफेक्ट है। बिल्कुल लाइट वेट फाउंडेशन तो आपकी स्किन को ज़्यादा केकी नहीं बनाएगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग मतलब बनाए रखेगा, आपका बहुत अच्छा बेस ही तैयार होगा। तो आप लैक्मे का फाउंडेशन परचेज करिए। और मेबेबी का फाउंडेशन ठीक है बट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना मुझे लैक्मे का लग रहा है। तो रिजल्ट आपके सामने है, वो लैक्मे का 500 के अराउंड जाएगा और आपका जो मेबेबी का है ये आपको 750 के अराउंड जाएगा। बट लैक्मे का बजट फ्रेंडली भी है और लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि आपको बहुत अच्छा बेस देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर भी ज़रा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आई होप अब आपके थॉट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा फाउंडेशन लेना है और कौन सा नहीं, और आपको फाउंडेशन कैसे ब्लेंड करना है, किस तरीके से ब्लेंड करना है। बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे फाउंडेशन हैं, बट थोड़े से प्रोसिंग कौन सी, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।